क्लासेट मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ कंप्लीट हो गया था 6 क्या है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इस बार स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड ठीक है जिससे कि हम इसको डिवाइड करें और परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए पहले हम मल्टीप्लाई किया था इस बार डिवाइड करना है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट और उस तरह से स्क्वायर रूट जो भी वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट का वो भी निकालना है लेकिन करना इस बार डिवाइड है ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है 252 सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए 252 को आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकालिए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 हो जाएगा ठीक है अब मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पेयर आ गया था डिवाइड करना है तो यही 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये अकेला बच जाएगा ठीक है तो सेम टू सेम ही है कि मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है और डिवाइड में ये खत्म कर देने का है ठीक है तो 252 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर यहाँ भी 7 का पेयर तो है नहीं तो इफ़ वी डिवाइड 252 बाय 7 यदि हम 252 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 7 से डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा देन इट विल बिकम द परफेक्ट स्क्वायर कैसे तो 252 बाय 7 इज इक्वल टू कितना हुआ 36 और यदि इसमें 7 का डिवाइड किया तो इसमें भी 7 का डिवाइड तो करना पड़ेगा क्योंकि इसी का फैक्टर्स ये है तो 7 का डिवाइड किया तो खत्म हो गया 2 × 2 × 3 × 3 बच गया तो रूट ऑफ 36 ठीक है इसको 7 से डिवाइड किया 36 आया तो इतना लिखने की जरूरत नहीं सीधा 36 का रूट लिख दिए इज इक्वल टू 2 × 3 = 6 ये एक पेयर और एक ये पेयर 2 और 3 6 ठीक है तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 हो गया और रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट कितना हो गया 6 हो गया ठीक है अगला क्या है 2925 को आप वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकालिए 2925 3 × 3 × 5 × 5 × 13 का कोई पेयर नहीं है तो 13 को डिवाइड करना पड़ेगा तो हियर प्राइम फैक्टर 30 हैज नो पेयर इफ यू डिवाइड 2925 बाय 13 देन इट विल बिकम द परफेक्ट स्क्वायर तो 2925 बाय 13 इक्वल टू 225 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 13 13 और 13 खत्म हो गया तो वैल्यू कितना है 15 तो ये वैल्यू 13 और ये वैल्यू 15 हो गया 13 से डिवाइड किए और वैल्यू 15 आया ठीक है तो स्क्वायर स्मॉलेस्ट होल नंबर 13 हो गया स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना हो गया 15 ठीक है 396 का निकालिए 396 का ये निकला 11 दिख रहा है तो 11 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा तो रूट 36 का वैल्यू 6 हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 11 हो गया ठीक है जिसे डिवाइड किए थे और स्क्वायर रूट जब निकाले वैल्यू तो 6 आया तो 6 लिख दिए ठीक है फोर्थ क्या है 2645 ठीक है 2645 का निकालिए तो 5 से 529 ऐसा है जो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता नहीं है करते करते आप 23 में आएंगे तभी वो डिवाइड होगा ठीक है थोड़ा क्रिटिकल रहेगा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा ठीक है तो 5 × 23 × 3 × 23 यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे इसका तो पेयर है 5 का पेयर नहीं है इसलिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 5 से डिवाइड किए और वैल्यू क्या है होल नंबर 5 आ गया और स्क्वायर रूट वैल्यू 23 आ गया 2800 का यहाँ 2 2 2 2 5 5 यहाँ 7 नहीं है तो 7 से डिवाइड करेंगे और स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 हो गया और स्क्वायर रूट का वैल्यू 20 हो गया ठीक है 2 2 और 5 ठीक है 1620 का 2 ये 3 का पेयर है 3 का पेयर है ठीक है ये भी पेयर है 5 का पेयर नहीं है 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 5 हो गया स्क्वायर रूट वैल्यू कितना हो गया 18 हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया ठीक है